मैं एडवोकेट असगर अली अबड़ोल है और मैं फारूकी ला एसोसिएट में काम करता हूँ सर गुल मोहम्मद फारूकी साहब के साथ। और हम ज़रा मैटर में जो कि 7th ADJ ईस्ट में अभी चल रहा है मैटर, उसमें हम जो है ज़हीर की तरफ से, मुलजिम ज़हीर जो है उसकी तरफ से हैं। तो 7th ADJ में कुछ दिन पहले हमने सर्टिफाइड कापी के लिए एक दरख्वास्त लगाई थी जो कि लेटेस्ट डॉक्टर की रिपोर्ट थी उस हवाले से। तो मैं आज गया जैसे ही 7th ADJ में ईस्ट में, तो उधर मैंने देखा कि जिब्रान नासिर साहब खड़े थे और जो है मेहदी काजमी साहब जो इस केस के कंप्लेनेंट है वो जज साहब के चैम्बर में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मैं सुन लेता हूँ क्योंकि मैं भी इसी केस में ही आया हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मुझे मालूम हो जाएगा। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो जिब्रान नासिर साहब ने ये बोला कि भाई ये हमारा कॉन्फिडेंशियल मामला चल रहा है, आप काइंडली जज साहब को बोला सर इनको आप बाहर भेजें। जज साहब ने मुझे फ़ौरन कहा कि भाई आप चले जाएँ क्योंकि यहाँ जो है आपको अभी तक नोटिस नहीं हुआ, इसलिए मैं उधर से मुझे उन्होंने बाहर निकाल लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं निकला। जैसे ही बाहर तो मैंने अपने सीनियर काउंसल गुरमन फारूकी साहब को कहा, लगाई सर ये बात है, सर ने यही बोला मुझे कि भाई आप अंदर जाओ देखो क्या हो रहा है कहीं क्या नहीं हो रहा, आप सुनो क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है तो केस के मुतालिक ही सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा से अंदर गया दोबारा मैंने नहायती अर्ज़ से एक नहायती अच्छे तरीके से सर को बोला, जज साहब को बोला सर काइंडली आप अगर मुझे इजाज़त दें तो ये मैं सुन लूँ क्योंकि ये इस केस के हवाले से ही है। तो उन्होंने मुझे दोबारा से बोला कि भाई आप चले जाएं क्योंकि अभी तक मैंने कोई नोटिस नहीं किया। तो ये मामला मुझे अभी तक समझ में नहीं आए और मैं उधर से चला गया।